देर से ही सही पर मालवा मिरर की खबर का हुआ असर। विशाल मेगामार्ट को एसडीएम के आदेश के बाद किया गया सील। मालवा मिरर के लिए पीतमपुर से राजेश जौहरी की खबर। आपके पसंदीदा चैनल मालवा मिरर ने कुछ दिन पहले ही पीतमपुर के विशाल मेगामार्ट के बारे में एक खबर दिखाई थी कि तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिला प्रशासन के आदेश के चलते बंद थे, पर यह स्टोर धड़ल्ले से चल रहा था। इसके बाद मामले में जांच हुई और पता चला कि यह स्टोर बिना अनुमति के ही चल रहा था। इसी के चलते एसडीएम ने आदेश दिए और नगरपालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह बघेल ने मॉल को सील कर दिया। इस मॉल में दाल चावल आटे से लेकर जूते चप्पल नमकीन कपड़े किचन के सामान सभी चीजें बिक रही थी, जबकि इस तरह के मॉल पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ था। शासन के आदेशों को ताक पर रखकर विशाल मेगामार्ट ने मॉल चालू कर लिया था और मॉल में काफी भीड़ होने लगी थी, क्योंकि इंदौर से भी लोग खरीदारी करने यहां आने लगे थे। सीएमओ गजेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि जब पूरे प्रदेश में सारे मॉल बंद हैं तो विशाल मेगामार्ट चालू था। जब इंदौर और आसपास के लोग वहां आ रहे थे और मॉल में काफी भीड़ की शिकायत प्राप्त हुई तो एसडीएम ने तुरंत आदेश दिया और मॉल को सील कर दिया गया। ताले पर भी शासन की सील लगा दी गई है और इसके बाद भी अगर मॉल को खोला जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बंद कराने की मुहिम चलाई गई, जो कि यहाँ पर लॉकडाउन का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है और शासन प्रशासन को आँख में धूल झोंक रहे थे ये लोग। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।